भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। आदिवासी भाइयों के लिए केंद्र सरकार का बजट कई गुना बढ़ाने का काम किया है। और मित्रों, वन बंधु कल्याण योजना, एकलव्य मॉडल स्कूल, 462 नई एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने किया। और डिस्ट्रिक्ट फंड, मिनरल फंड के माध्यम से देश भर के आदिवासी भाइयों बहनों के लिए 9000 करोड़ रुपया उनके विकास के लिए देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर स्मारक बनाने से लेकर अनेक आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के स्मारक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। और झारखंड सरकार ने भी झारखंड बनने के बाद पहली बार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग गठित कर आदिवासी कल्याण का एक नया रास्ता खोलने का काम किया। कांग्रेस की सरकारें थी, आदिवासियों के कल्याण के लिए 11000 करोड़ रुपए का बजट था। रघुवर सरकार आई, भाजपा सरकार आई, 2018 में 11000 करोड़ से बढ़ाकर 20700 करोड़ रुपया तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, हर क्षेत्र के अंदर विकास, घर घर गैस पहुंचाना हो, अब तक बोतल से पहुंचता था, अब पानी के नल की तरह गैस का भी नल आपके घर में लग जाएगा। रोड बनाना हो, बिजली पहुंचानी हो, नौकरियां देनी हो, हर क्षेत्र के अंदर एक विकास की नई शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी और झारखंड सरकार ने की।